नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म की अनेक मान्यताओं के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य को कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए। विशेषकर सूर्यास्त के बाद अथवा रात्रि के समय जब अंधकार हो जाता है, तब इन चीज़ों का दान वर्जित माना जाता है। अन्यथा वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर इन चीज़ों का आप सूर्यास्त के बाद अंधेरे में दान करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, तो आपके परिवार पर, आपके घर पर मुसीबतें टूट पड़ती हैं, आपका खुशहाल जीवन भी खत्म होने लगता है, आपके घर में नई नई परेशानियां आने लगती हैं। कौन सी हैं वे चीज़ें और उनका दान क्यों नहीं करना चाहिए, किसे दे सकते हैं और किसे नहीं दे सकते, दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी रात्रि के समय अथवा सूर्यास्त होने के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए अथवा दूध किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य का अर्थ है अपने परिवार के व्यक्तियों को छोड़कर, आप अपने परिवार के व्यक्तियों को ये चीज़ें दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपने घर अथवा परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कभी भी सूर्यास्त के बाद अथवा रात्रि के समय जब अंधकार हो जाता है, तब दूध का दान नहीं करें। इससे क्या होता है, दूध का संबंध चंद्रमा से होता है और सूर्य ग्रहण के साथ होता है। दोस्तों, दूध का संबंध सूर्य ग्रहण से होने के कारण आपके ऊपर मुसीबतें टूट पड़ सकती हैं, आपके घर पर परेशानियां आने लग सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेरने लगेंगी, आपका चंद्रमा कमज़ोर होने लगेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी दूध का दान किसी अन्य व्यक्ति को अंधेरे में, यानी कि सूर्यास्त के बाद जब अंधकार होने लगता है, तब अथवा रात्रि के समय नहीं करना चाहिए। नंबर दो, दोस्तों कभी भी अंधकार में यानी कि रात्रि के समय दही का दान भी नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दही का दान रात्रि के समय बहुत ही अनुचित माना गया है। इससे आपके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं और आपकी अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी खराब हो सकती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दही को शुक्र का प्रतीक माना गया है और शुक्र ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक माना गया है। किसी भी गृहस्थ के लिए ऐश्वर्य और वैभव बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए शुक्र ग्रह का भी अच्छा होना आवश्यक माना गया है। वहीं दोस्तों, अगर आप अंधकार में अथवा रात्रि के समय दही का दान किसी अन्य व्यक्ति को करते हैं, परिवार के व्यक्ति को नहीं, परिवार घर परिवार की बात नहीं हो रही है, घर परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अगर आप दही का दान करते हैं, तो उससे आपका शुक्र खराब हो जाएगा, जिससे आपके घर में जो बरकत होगी वह समाप्त हो जाएगी, घर में ऐश्वर्य समाप्त होने लगेगा, घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे और परेशानियां होने लगेंगी, यहां तक कि कई बार पति पत्नी में बहुत बड़ा मनमुटाव भी हो सकता है। तो दोस्तों, भूल कर भी रात्रि के समय अंधकार में इन दो चीज़ों का दान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सियाराम।